हेलो स्टूडेंट्स, हाँ चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए थे? कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, उसके बेस पर सेल यानी दो टाइप की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो न्यूक्लियस का पोर्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, और किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया और ब्लुग्रीनेल्गी में। ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इट मीन्स जब न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो न्यूक्लियस का जो पोर्शन है, न्यूक्लियस का जो रीजन है वो वेल डिफाइंड वेल क्लियर होता है, ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और सभी में पाई जाती है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग की सेल। ठीक है, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये सब। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज द न्यूक्लियर कंटेंट जो है इट इज जस्ट फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स नहीं है, ओनली एक्सेप्ट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है जो कि स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कि क्या बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। एक और बात कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपकी केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर टाइप दोनों की है। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसकी सेल कैसी है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो इट मींस कि और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे जो कि हम जनरली बात करते हैं दोनों सेल में डिफरेंस की। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली ब्लैंक स्पेस होता है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, द लिक्विड दैट इज फिल्ड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, आपकी न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली ब्लैंक स्पेस है, दैट इज फिल्ड बाय द डेंस लिक्विड, वो लिक्विड फिल होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। उस लिक्विड के अंदर बहुत स्मॉल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है, स्मॉल कॉम्पोनेंट्स है, स्मॉल ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंट है, जो कि कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहलाते हैं? वो सेल ऑर्गेनल्स। इन सेल ऑर्गेनल्स, हर सेल ऑर्गेनल्स जो है अपना एक पर्टिकुलर काम करती है, दे कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हर एक सेल ऑर्गेनल हर एक अपने पर्टिकुलर काम करती है, जिनकी वजह से एक सेल जो है सर्वाइव कर सकती है और बहुत सारे कामों को शो करती है। कल मैंने आपको बताया था उसके बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ कौन कौन से ऑर्गेनल्स हमारे पास हैं। देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपरेटस यानी गॉल्जी बॉडी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, प्लास्टिड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड नेक्स्ट वन इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ इसमें हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो हम लेते हैं कॉन्सेप्ट अपना, तो आप कौन सा है? फर्स्ट वन इज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं पढ़ा रही हूँ आपको, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER। आपने पढ़ा है 8th में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए इसमें नोटबुक में देखेंगे जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स यानी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि चारों तरफ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, से पाइप होते हैं पानी डालते हैं पौधों वगैरह पे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है यानी मेम्ब्रेन से सराउंड है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो किससे कनेक्ट होता है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पूरे में साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, इट मीन्स ये मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैला रहता है, स्प्रेड रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पाइप होता है पानी का कैरी करने का, तो इसी टाइप से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ से जो उसको कवर करती है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
कहाँ पर पाया जाता है, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है और साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का होता है। इधर देखेंगे रफ ईआर, आपने पढ़ा है इसमें भी आर ईआर और एस ईआर, रफ ईआर इसको हम कहते हैं शॉर्ट में आर ईआर, शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिखूंगी, आर ईआर, ठीक है, रफ ईआर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये दो टाइप का दिखता है, देखने में दो टाइप का, एक तो वो कि ऐसा लगता है कि उसकी सरफेस पर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे शुगर पार्टिकल, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसकी सरफेस पर, जिसके कारण उसकी सरफेस कैसी दिखती है, रफ दिखती है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रफ ईआर, आर ईआर कहलाता है। अब वो पार्टिकल्स शुगर पार्टिकल्स ही हैं, दीज पार्टिकल्स आर द राइबोसोम पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स हैं, राइबोसोम पार्टिकल्स, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्प्रेड रहता है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर में, टेक्सचर में लगता है, एक तो ऐसा लगता है उसकी सरफेस बहुत खुरदरी सी है, रफ है, और एक बिल्कुल स्मूथ है। वो रफ किस लिए है, क्योंकि उसकी सरफेस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे शुगर पार्टिकल्स होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर द राइबोसोम पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स कहलाते हैं, पहले देखेंगे आर आई बी ओ एस ओ एम ई, राइबोसोम पार्टिकल्स हैं। दैट्स वाई द सरफेस ऑफ द ई आर लुक्स लाइक रफ, कैसी सरफेस दिखती है उसकी, रफ सरफेस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम पार्टिकल्स ऑन इट सरफेस, ड्यू टू विच इट्स सर्फेस इज रफ एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द रफ ई आर, क्या कहलाती है वो, रफ ई आर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्मूथ ई आर, स्मूथ ई आर क्या होता है कि राइबोसोम पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट सर्फेस, सीधी सी बात है वो स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसकी सर्फेस पर वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी सर्फेस पर प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्मूथ ई आर। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, देखिए मैंने जो अभी आपको पॉइंट्स बताए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कॉल्ड ई आर, क्या कहलाता है ये, ई आर, ठीक है। दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे पाइप होते हैं, जस्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सो वी कैन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कि कनेक्ट रहता है कहां से, न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है और पूरे साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें जब इन ट्यूब्स जो स्प्रेड रहती हैं वो देखने में दो तरह से लगती हैं, एक तो ऐसा लगता है कि इनकी सरफेस बहुत ज्यादा खुरदरी है, रफ है, और एक सरफेस लगती है ऐसी स्मूथ सी है, ठीक है। रफ वाली रफ इसलिए लगती है क्योंकि उसकी सरफेस पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दीज पार्टिकल्स आर ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स, सो दैट्स वाई द सरफेस इज रफ एंड इट इज कॉल्ड रफ ई आर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर ई आर, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, आर ई आर। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं है, इसका मतलब वो सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, देखने में लुक कैसा होगा उसका, स्मूथ होगा बिल्कुल, ठीक है, प्लेन सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस होगी, सो वी कैन से इट इज कॉल्ड स्मूथ ई आर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस ई आर, क्या कहलाता है, एस ई आर। एक बार डायग्राम में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं मान के चलूंगी कि मेरी पूरी सेल बाउंड्री है, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है, सब मान के चलेंगे कि ये पूरी सेल है, ठीक है। मैंने कि ये पूरा पेज लेके चल रही हूँ, देख रहे हैं पूरा पेज है, एंटायर पेज पर मैं डायग्राम बनाऊंगी। तो ये पूरा आपका सेल का स्ट्रक्चर है, ये आपकी पूरी सेल की बाउंड्री, आपने प्लांट सेल है तो आप उसको रेक्टेंगल शेप में दे देंगे, ठीक है, प्लांट सेल है तो आप इस टाइप से इसको बनाएंगे। प्लांट सेल की शेप कैसी होती है, फिक्स जो शेप होती है प्लांट सेल में, जो शेप होती है वो आपकी कैसी होती है, फिक्स होती है। तो इस टाइप से आप उसको फिक्स शेप दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स शेप में रखना है इसको आपको। मैंने खुला डायग्राम, बड़ा डायग्राम इसलिए बना रही ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। ये आपकी प्लांट सेल, ये सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल में हम बना रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल एक जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो जनरली ये प्लांट सेल आपका मान लीजिए कॉमन आपकी प्लांट सेल, ये बाउंड्री है, सेल वॉल है, ठीक है। अगर एनिमल सेल होगी तो ये आपकी बाउंड्री सेल वॉल है, अगर ये एनिमल सेल हुई, ठीक है, तो उसमें केवल ये अंदर की बाउंड्री प्रेजेंट होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन और ये बाहर की बाउंड्री सेल वॉल कहलाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी सेल एनिमल सेल है तो ये अंदर की बाउंड्री होगी, केवल उसमें बाहर की बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मैंने आपको बताई दिया, ये मान लीजिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं जनरली पॉइंट समझा रही हूँ, अभी आपको प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ये जनरल पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे कैसे चीजें स्प्रेड होती है एक सेल के अंदर, फिर मैं आपको प्रॉपर डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी कैसे होता है। तो ये अभी आपका
मान लीजिए हमारी दो मेम्ब्रेन है, बाहर की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल होगी तो ये आपकी दोनों ड्रॉ करनी है आपको, अंदर वाली और बाहर वाली, ठीक है। और अगर आप एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे तो आप सिर्फ एक बनाएंगे, अंदर वाली बाहर वाली नहीं बनेगी, नहीं सेल वॉल नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर आप प्लांट सेल को ड्रॉ करेंगे तो उसकी फिक्स शेप रेक्टेंगल शेप में डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स शेप में। और अगर आप उसको एनिमल सेल में रखेंगे तो आपको कैसे लिख रखनी है, इरेगुलर शेप रहनी है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। तो ये आपका, आप न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, आप जानते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने कराया रखा है आपको, ये इस टाइप से डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। और ये आपके कौन से हो गए, न्यूक्लियर पोर्स हो गए, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियर पोर। अब इसमें आपने ये क्या डाल दिया, न्यूक्लियोलस, और ये आपके इसके क्रोमेटिन थ्रेड हो गए। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं बात कर रही हूँ कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कनेक्ट होता है। देख रहे हैं, ये यहाँ से ये बाउंड्री जो जाती है इधर से, ऐसे ये इस टाइप से कनेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डायग्राम देखते जाएंगे बनाते हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट होती है एंडो, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाती है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइप से आपने इसको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, आप देखते रहेंगे। ये हो गया, इस टाइप से ये आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप देखेंगे इस टाइप से मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ड्रॉ किया है, ठीक है, मैंने भी आपको बताया ये हमारा क्या है, ईआर है पूरा, जो कि ईआर एक लॉन्ग ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल से, जो कि कनेक्ट होता है विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्प्रेड रहता है साइटोप्लाज्म में, डिस्ट्रीब्यूट है। दूसरी बात कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर कुछ ऐसी सरफेस है जो कि हमें देखने में ऐसा लगता है रफ है, खुरदरी सी लगती है, मैंने भी आपको बताया था खुरदरी है, क्योंकि इसकी सरफेस पर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर इसकी सरफेस पर ये जो पार्टिकल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इट मीन्स दीज आर पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स, ठीक है, ये ऐसे इसकी सरफेस पर है। अगर सरफेस पर नहीं है इसका मतलब वो कैसी है, स्मूथ है, ऐसी आर है। अब देख रहे हैं ये स्मूथ ही आर है, ये रफ ही आर है, आपने इसे ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये हमारा हो गया एस ई आर, इसे हम एस ई आर कहते हैं। और ये आपको देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं राइबोसोम पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, ये राइबोसोम पार्टिकल्स हमने ड्रॉ करे हैं। अच्छा, एक चीज और, ये राइबोसोम पार्टिकल्स की सरफेस पर हो गए एस ई आर, ठीक है, तो ये एस ई आर है और ये हमारा हो गया आर ई आर, ठीक। दूसरी बात, इससे पहले मैं आपको राइबोसोम बता देती हूँ कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है वो एक, ये जो मैंने राइबोसोम, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, दीज आर द राइबोसोम पार्टिकल्स, कैसे हैं ये राइबोसोम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। राइबोसोम पार्टिकल्स एक स्मॉलर बॉडीज है, बहुत ज्यादा स्मॉलर बॉडीज विच आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इनमें मेम्ब्रेन नहीं, जैसे चीनी के दाने होते हैं ऐसे, चाय की पत्ती के दाने होते हैं, इस टाइप के बहुत छोटी स्मॉल बॉडीज हैं, स्मॉल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, विच आर मेम्ब्रेन लेस, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड दे आर, इनकी जो लोकेशन है दो जगह है, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ईआर, एक तो ईआर की सरफेस पर प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड जगह जगह है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द साइटोप्लाज्म। ये देख रहे हैं मैंने ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे साइटोप्लाज्म में, ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे स्प्रेड होता है। इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे सारे क्या पार्टिकल्स हैं, राइबोसोम पार्टिकल्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, राइबोसोम पार्टिकल्स, समझ रहे हैं बात। मैंने ईआर का पॉइंट चल रहा है, लेकिन आर इसको मैंने राइबोसोम को इसलिए डिस्क्राइब किया ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो हमने देखा मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड है, न्यूक्लियस से बाहर की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। दूसरी बात, इसकी सरफेस पर दो टाइप के कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दीज आर द राइबोसोम पार्टिकल्स, अगर हैं तो ये आर ई आर कहलाती है, अगर नहीं है, आर ई पार्टिकल्स नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, तो ये स्मूथ ई आर कहलाती है, ठीक है। तो इस टाइप से राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर है या नहीं है,
दो टाइप की ईआर है, एक है एसईआर और एक है आरईआर। ठीक है, इससे पहले मैं इसके फंक्शन बताऊंगी आपको, मैंने दोबारा आरईआर बता एक बार राइबोसोम बता देती हूँ। राइबोसोम ऐसी स्मॉलर ऑर्गेनल स्मॉलर बॉडीज विच आर मेम्ब्रेन लेस, देख रहे हैं स्मॉलर और स्मॉलर ऑर्गेनल, बहुत छोटी छोटी स्मॉलर बॉडीज हैं ये, विच आर मेम्ब्रेन लेस, जैसे चीनी के दाने शुगर पार्टिकल्स होते हैं इस टाइप की स्मॉलर बॉडीज हैं, विच आर मेम्ब्रेन लेस, इनमें मेम्ब्रेन नहीं है, इनकी दो जगह हमारी पोजिशन है, एक तो ईआर की सरफेस पर प्रेजेंट है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। और क्या होती है साइटोप्लाज्म, ऐसे स्प्रेड करनी है, स्प्रेड होती है। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, इनका काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं इन दोनों का काम क्या है, ईआर का काम क्या है। ठीक है, तो ईआर का फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन ऑफ ईआर, ठीक है मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी आपको पीडीएफ पे। तो फंक्शन ऑफ ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट पॉइंट, रफ ईआर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रफ ईआर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब रफ ईआर, आप नाम से पता चल रहा है कि रफ का मतलब वो इसलिए रफ है क्योंकि उसकी सरफेस पर ऑब्वियसली पार्टिकल्स पाए थे, स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसके, राइबोसोम के। अब राइबोसोम का काम मैंने अभी आपको जस्ट अभी अभी बताया कि राइबोसोम इज द पार्टिकल्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, किसका काम करते हैं वो, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं, सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं, सो दैट्स वाई द राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, हमारे सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। प्रोटीन कहाँ बनती है, सेल के अंदर, राइबोसोम में। तुरंत अगर कोई पूछे कि सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनती है तो आप बताएंगे सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम में बनती है, राइबोसोम आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, अब राइबोसोम में प्रोटीन बनती है, सो वी कैन से कि रफ ईआर पर भी राइबोसोम पार्टिकल्स है, तो वी कैन से कि रफ ईआर ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो रफ ईआर, क्योंकि रफ ईआर पर क्या पाई जाती है, राइबोसोम पाई जाती है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो वी कैन से कि रफ ईआर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन स्मूथ ईआर, हेल्प इन द फैट और लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ ईआर क्या बनाती है, फैट बनाती है। ये दोनों मिल, दोनों कंपोनेंट्स प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और फैट, दीज आर द इम्पोर्टेंट, टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, आपको मैंने जो सेल मेम्ब्रेन का बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की बाउंड्री किस चीज की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसकी लिपिड को बनाने का काम, उसकी लिपिड को, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड मतलब फैट, तो लिपिड को बनाने का काम करता है एसईआर और उसकी प्रोटीन को बनाने का काम करता है आरईआर, समझ रहे हैं बात। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, उसकी लिपिड को कौन बनाता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी प्रोटीन को कौन बनाता है रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्या कहलाता है ये, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, देखेंगे दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड, ठीक है, दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड का मतलब रफ ईआर क्या बनाता है प्रोटीन, स्मूथ ईआर क्या बनाता है लिपिड, एंड दीज प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज बाय ईआर, कौन बनाता है इनको, ईआर हेल्प फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज की जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सेल मेम्ब्रेन के लिए लिपिड कौन बनाता है एसईआर, और उसके लिए प्रोटीन कौन बनाता है आरईआर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्या कहलाता है ये, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, सो इट एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल स्पेशली प्रोटीन इन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। पॉइंट को देखेंगे कि ये जो है, मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं, इस टाइप से मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं जो कि कनेक्ट होती हैं, चैनल का काम करते हैं, ये किससे कनेक्ट है, न्यूक्लियस से। अब ये न्यूक्लियस से कनेक्ट है तो इनका काम क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि चैनल बना रही हैं। चैनल का काम क्या होता है, एक सब्सटेंस आएगा, एक चैनल एक ट्यूब में जाएगा, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे तीसरे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, चैनल है। माना आप एक लाइन में खड़े हो जाए, अगर हम एक 10 बच्चों की लाइन खड़ी है, अगर हमें किताब पास करनी है तो हम पहले बच्चे को देंगे, पहला बच्चा दूसरे अगले को देगा, अगला उसको देगा, तो इस टाइप से ट्रांसमिट होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम जारी रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक चैनल है, आप देख रहे हैं ट्यूब्स आपस में कनेक्ट है, और जो ट्यूब है वो किससे कनेक्ट है, न्यूक्लियस से, तो इस टाइप से एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, ये चैनल, इस चैनल की मदद से डिफरेंट सब्सटेंसेस का स्पेशली प्रोटीन का
ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आप देखो ये न्यूक्लियोलस, ठीक है, हाँ, तो स्पेशली प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, स्पेशली प्रोटीन जो बनाता है वो अंदर और बाहर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बाहर कह सकते हैं कि क्योंकि ये न्यूक्लियस से कनेक्ट है इसीलिए डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है अंदर बाहर, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इट मीन्स कि इट फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम, सो इट एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन इन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कहता है, सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को, जरूरी नहीं अंदर ही करता है एक्सचेंज, बल्कि क्योंकि चैनल बना हुआ है तो डिफरेंट रीजन में सेल की जहां भी जरूरत है, जहां पर भी सेल के अंदर जरूरत है वहां पर उस सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है, डिलीवरी करने का काम करता है उस सब्सटेंस की सेल के साइटोप्लाज्म में जहां जहां जरूरत होती है। सो इट एक्ट एज ए चैनल, किसका काम करता है, चैनल का। दूसरी बात, इट फॉर्म्स अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, क्या बना रहा है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, देख रहे हैं पूरी तरह से ये जाल है, इस टाइप से ये देख रहे हैं नेटवर्क है ट्यूब का और भी स्प्रेड होता है, तो इस टाइप से पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है ताकि अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है, ठीक है। ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत स्प्रेड होता है साइटोप्लाज्म में, इसके कारण से एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में जो हार्ट और लंग्स होते हैं, हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रिबकेज। रिबकेज इज द नेटवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का एक नेटवर्क है, बोन्स का हड्डियों का एक जाल है, पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर है बोन्स का, जिसके अंदर हमारे हार्ट, हमारे जो लंग्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं डेलिकेट ऑर्गन्स, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क का काम कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, पूरे साइटोप्लाज्म स्प्रेड है, सो वी कैन से कि ये फॉर्म करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, सो इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट, सो इट गिव्स द सपोर्ट, एक सपोर्ट मिलता है हमारे ऑर्गेनल्स को, जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या मिलता है, इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, और वी कैन से इंटरनल सपोर्ट टू द ऑर्गेनल्स, अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उन सबको क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, सो इट गिव्स अ इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा, इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल है, एसीआर ऑफ लिवर सेल्स टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। इसका एक और काम ये हो गया कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, आगे के ग्रुप में चैप्टर्स में, इनवर्टिब्रेट्स एक एनिमल्स का ग्रुप होता है, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, हम भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो हम जो हमारी जो लिवर सेल्स होती हैं, लिवर सेल की एसीआर ऑफ लिवर सेल्स, हमारी जो लिवर सेल्स हैं उसकी जो एसीआर है, सेल्स की जो एसीआर पार्ट है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन और ड्रग्स, कोई भी जहरीले टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको क्लियर कर देता है, यानी कुछ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का ग्रुप होता है उनकी लिवर्स में, लिवर की जो सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स होती हैं उनकी, लिवर सेल्स होती हैं उसके अंदर जो एसीआर पार्ट है, सेल के अंदर तो एसीआर हो गई होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ कौन सी सेल ले रही हूँ, लिवर की सेल्स, ठीक है। तो जो आपके वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का ग्रुप है उसका लिवर वाला जो पार्ट है, उस लिवर की सेल्स के अंदर जो एसीआर होता है, लिवर सेल्स के अंदर जो एसीआर है उसका काम क्या है, अगर लिवर सेल्स के अंदर कोई आपके ड्रग्स या पॉइजन्स जैसे सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, उनको क्लियर कर देता है, ठीक है। तो अच्छा, एक हो गया ये, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनल्स आपके पास, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई एम रिपीटिंग अगेन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है एंड फॉर्म इन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनाता है साइटोप्लाज्म में, सो वी कैन से इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क है, सो इट गिव्स द इंटरनल सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को क्या देता है, एक इंटरनल सपोर्ट देता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी सरफेस कहीं कहीं स्मूथ दिखती है, इसकी सरफेस कहीं कहीं रफ दिखती है, इसके आधार पर दो टाइप का, एक आरईआर और एक एसईआर, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं राइबोसोम के, इसलिए वो रफ है, और कुछ ऐसी स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं है। तो पहली बात कि राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम बहुत ज्यादा स्मॉल ऑर्गेनल्स हैं, छोटे स्मॉल ऑर्गेनल्स हैं जो कि दो जगह पाए जाते हैं, या तो ईआर की सरफेस पर है या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है साइटोप्लाज्म में, आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये राइबोसोम की पार्टिकल्स दो जगह, और एक और बात है कि वो मेम्ब्रेन है, लेस में है, मेम्ब्रेन नहीं है उनमें,
एंड दीज आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये हमारे सेल की क्या कहलाती है, प्रोटीन फैक्ट्री का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। जब राइबोसोम का काम प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो ऑब्वियसली आरईआर की सरफेस पर, आरईआर का मतलब क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या पाई जाती है, राइबोसोम, राइबोसोम पाई जाती है, तो ऑब्वियसली कि आरईआर का काम भी क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, एसईआर का काम क्या है, लिपिड को बनाना। ये दोनों मिलकर एसईआर बनाता है लिपिड को, आरईआर बनाता है आपके प्रोटीन को। दोनों लिपिड और प्रोटीन किसमें हेल्प करते हैं, सेल बाउंड्री को, सेल मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन इसको बनाने में हेल्प करते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, आपको शुरू में बता रखा है, एक लिपिड की और एक प्रोटीन की। ठीक है, तो यहां पर लिपिड कौन बनाता है, एसईआर, और प्रोटीन कौन बनाता है, आरईआर। और ये मेम्ब्रेन बनाने का जो प्रोसेस है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट मींस हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुलर जो है वो हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और बहुत सारे काम इसको मैंने आपको बताया, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है ताकि वो सपोर्ट दे सके, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, एनिमल्स का एक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स, जैसे हम तो लिवर सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जो लिवर सेल्स हैं उन सेल्स की एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, डिटॉक्सीफाई करती है, जो ड्रग्स या पॉइजन जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने का काम करती है। ठीक है, और क्योंकि चैनल बना रहा है, देख रहे हैं सारे आपस में जुड़े हुए चैनल बना रहे हैं, तो इस चैनल की मदद से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जगह जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, सेल की जहां पर जरूरत होती है वहां पर वो सब्सटेंस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। सो वी कैन से इट एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस इन द वेरियस रीजन ऑफ द सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम एक चैनल की तरह, ताकि सब्सटेंसेस को एक जगह से क्या किया जा सके, दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोल्जी अपरेटस। अब देखेंगे गोल्जी अपरेटस इज द ऑल्सो इट इज गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी। इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी। इसकी डिस्कवरी किसने की है, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी अपरेटस वॉज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी। ठीक है, CAMILLO गोल्जी, GLGI। इट इज एन ऑर्गेनल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक। ये भी एक सैक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, विच आर थिन एंड कर्व्ड। इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ी, इसकी तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी बड़ी सी है, ठीक है, लंबी है, लेकिन इसकी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो छोटी है और कर्व्ड शेप में है। ठीक है, तो विच आर थिन एंड कर्व्ड, यानी इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक या मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर स्मॉल इन साइज एंड इज आर कर्व्ड इन शेप, कर्व्ड होती है। और जो ट्यूब्स होती है 5 और 6 के नंबर में होती है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। दे अकर इन स्मॉल स्टैक। सपोज दैट कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो उसकी तो हमने एंडोप्लाज्मिक ध्यान से देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब ऐसे बनाई है, लंबी लंबी बनाई है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी ट्यूब है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं गोल्जी अपरेटस के केस में बात करूं, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं वो ऐसे कर्व्ड शेप में छोटी हैं और कर्व्ड शेप में, ठीक है, इस तरह से कर्व्ड शेप में ट्यूब्स हैं, पतली पतली कर्व्ड शेप में, और 5-6 इकट्ठी हैं, 5 और 6 की इनकी रेंज है ऐसे। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर ट्यूब कर्व्ड शेप में, हल्की सी कर्व्ड होती हैं, ऐसे कर्व्ड होती हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है, दिस ईच इसको हर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्न। क्या कहलाता है ये, सिस्टर्न। ठीक है, सिस्टर्न कहलाती है ये, इसकी एक ट्यूब क्या कहलाती है, सिस्टर्न, और इसका स्टैक, पूरे ट्यूब जो होती है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स में होती है, गड्डी में होती हैं, और इस पूरे पैटर्न को कहते हैं सिस्टर्न्स, सिस्टर्न्स या और फिर सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहलाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये अरेंज होती है, एंड दे आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के पास होती है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, इट इज एन ऑर्गेनल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक विच आर थिन एंड कर्व्ड। इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो थिन और कर्व्ड होती है, अकर इन स्मॉल स्टैक्स, स्मॉल स्टैक्स में होती है, 5 और 6 की स्मॉल स्टैक्स में, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। इस पूरे स्टैक को क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनका कनेक्शन किसके साथ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर कोई सब्सटेंस बनते हैं जैसे लिपिड या प्रोटीन, तो वो क्या करते हैं, किसकी मदद से, गोल्जी अपरेटस उनको लेता है, अब उन सब्सटेंस को अगर मॉडिफाइड करना हो तो उनको मॉडिफाइड कर देता है, और जहां पर ट्रांसमिट करना है वहां ट्रांसमिट कर देता है, यानी इट मेक कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। उसका कनेक्शन ईआर के साथ हमेशा कनेक्ट में रहता है, एंड सो वी कैन से एंड फॉर्म ए पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम।
सो वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक टाइप से उसके काम में ही हेल्प करता है. सो वी कैन से इट फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम यानी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी का ही एक पार्ट की तरह काम करता है. देखिए इधर गॉल्जी अपैरेटस, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. मैंने अभी आपको बताया थिन और कर्व शेप यूज होते हैं, नियर द न्यूक्लियस आप बनाएंगे इसको तो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही आ जाएगा. ऐसे इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कटोरी होती है आपकी सब्जी रखने के लिए, कटोरी की होती है वो एक सैक है जिसके अंदर आपको सामान भरा होता है इस टाइप से, और एक के ऊपर एक अगर हम गड्डी में लगा दें, ठीक है, तो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये सैक है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ऐसे इस टाइप से इसको बनाएंगे. सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तीन और चार के पैटर्न में इकट्ठी होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या कहलाता है, गोल्जी बॉडी. क्या कहलाता है ये, इस टाइप से हम इसको स्ट्रक्चर देंगे. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये कर्व्ड शेप में होती है, ऐसे कर्व्ड होती है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है, एक ही जगह बनानी है और कहीं ड्रॉ नहीं करनी है, एक जगह न्यूक्लियस के पास बनाएंगे और कहीं ड्रॉ नहीं करनी. ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स. काम मैंने अभी आपको बताया कि इसका कनेक्शन हमेशा किसके साथ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्टेक्ट में रहती है, ताकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करती है, जो सब्सटेंस के पास होते हैं उन सब्सटेंस को इसको दे देती है. गोल्जी अपैरेटस में ट्रैवल करते हैं, जहां जरूरत है उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है गोल्जी अपैरेटस, या फिर उसको मॉडिफाइड करता है. तो इट मीन्स कि गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, किसी भी सब्सटेंस को अपने पास स्टोर करना, पैक करता है, जहां जरूरत है तो बेचता है, नहीं है तो नहीं बेचता, अपने पास रखता है. समझ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंस होते हैं वो गोल्जी अपैरेटस की मदद से जगह जगह ट्रेवल करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सब्सटेंसेस को किसको दे देता है, गोल्जी बॉडी को. गोल्जी अपैरेटस उनको अपने पास स्टोर करता है, इसको पैक करता है, जहां पर जरूरत होती है सेल में, जहां जहां डिफरेंट रीजन में वहां भेजने होते हैं, ये गोल्जी अपैरेटस उनको या तो डायरेक्टली या उसको मॉडिफाइड करके भी ट्रेवल करा सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है. सो वी कैन से इसका काम क्या हो गया, स्टोरेज करना सब्सटेंसेस को, उनको पैक करना, जरूरत के आधार पर उनको डिस्पैच करना जगह जगह, यानी जरूरत के अकॉर्डिंगली उनको ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को, और उनको अगर लगता है तो मॉडिफाई करना, नहीं तो कोई बात नहीं है. ठीक है, तो इनके काम होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स फंक्शन देखेंगे, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मैंने क्या बताया, कुछ चीजों को ये मॉडिफाइड करता है, जैसे इसने लिया उस फॉर्म में नहीं भेजता, उसको थोड़ा चेंज कर देता है, उसको मॉडिफाइड कर देता है. ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन किसके साथ बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सब्सटेंसेस को गोल्जी अपैरेटस को देता है, गोल्जी अपैरेटस उन सब्सटेंसेस को अपने पास रखता है, पैक करता है, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल वहां पर वो उसको ट्रांसमिट कर देता है, या तो वो डायरेक्टली ऐसे एस सच कर देता है, या फिर उसको मॉडिफाइड करके करता है. तो इसका काम हो गया, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड करने का सब्सटेंसेस को, स्टोरेज, स्टोर करके रखना अपने पास, और अकॉर्डिंग टू नीड वो डिफरेंट रीजन में ट्रांसमिट करता है. दूसरा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. मैंने आपको बताया कि उन सब्सटेंस को अपने पास अच्छे से पैक करता है और जरूरत के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट करने का काम है इन द वेरियस रीजन ऑफ द सेल, सेल के डिफरेंट रीजन में. ठीक है, और एक पॉइंट, सेल के जो डिफरेंट रीजन होते हैं, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द वेरियस रीजन ऑफ द सेल. जहां जरूरत है वहां अकॉर्डिंगली ये उनको क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है. ठीक है, आगे देखते हैं. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम बनाता है, मैं इसके बारे में अगला नेक्स्ट ऑडियो में बताऊंगी. लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है, ये बात याद रखिए. लाइसोसोम को कौन बनाता है, लाइसोसोम बनाता है गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, लाइसोसोम बनाता है गोल्जी अपैरेटस. लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो किस ऑर्गेनल को बनाता है, लाइसोसोम को बनाने का काम करता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस बनाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस, कुछ केस में. ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर में. ये क्या करता है, जब जरूरत होती है अकॉर्डिंगली ये कुछ सिंपल शुगर्स होती हैं उनको कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स शुगर में मॉडिफाई कर देता है. कि मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन का काम है. तो ये क्या करता है, कुछ केस में जहां जरूरत है वो सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देता है और उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो इसके काम होते हैं, यानी गोल्जी अपैरेटस का, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर क्या है, नियर द न्यूक्लियस रखना है, दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक नहीं बोलेंगे, दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटी होती है, बहुत स्मॉल ट्यूब्स हैं. सो वी कैन से दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक, इनको सैक बोलते हैं, थैली, छोटे पाउच, छोटी थैली लाइक स्ट्रक्चर. जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं कटोरी को प्लेट नहीं बोल सकती, क्योंकि प्लेट का एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, और कटोरी का एरिया कम होता है, तो हम जैसे वैसे सैक बोल सकते हैं, वेसिकल्स बोल सकते हैं. ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हम सैक या वेसिकल बोलते हैं. सो गोल्जी बॉडीज ट्यूब स्ट्रक्चर्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक और वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, विच आर दीज स्ट्रक्चर सैक्स होते हैं, थिन एंड कर्व्ड, बहुत ज्यादा कर्व्ड शेप में होती हैं, और जो सैक्स होती हैं इनकी अरेंज होती है एक के ऊपर एक, ऐसे देख रहे हैं, एक लाइन, एक
सैक, फिर दूसरी सैक, तीसरी सैक, ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज होती है, फोर और फाइव की उसमें होती है स्टैक्स में. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर्न. क्या कहलाता है ये पैटर्न? इसका सिस्टर्न्स कहलाते हैं. ये जो एक स्टैक्स है पूरी सिस्टर्न्स कहलाती है. अगर मैं एक ट्यूब की बात करूं सिस्टर्न है, एक ट्यूब की बात करूंगी तो सिस्टर्न है, पूरे स्टैक की बात करूं तो सिस्टर्न है, सिस्टर्न्स है. ठीक है, अगर मैं एक ट्यूब की बात करूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसे छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक ऐसे कटोरी बना दी, देख रहे हैं कटोरी नुमा स्ट्रक्चर, बाउल जिसमें आप सब्जी लेते हैं खाने के लिए, तो ऐसे कटोरी लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, लेकिन वे मेम्ब्रेन बाउंड है. तो और मैंने अभी बताया था ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है कर्व्ड शेप में होता है, कर्व्ड बनाएंगे, एंड अरेंज्ड इन द स्टैक्स. किसमें अरेंज होती है? अरेंज इन स्टैक्स, स्टैक्स में अरेंज है ये. ठीक है, स्टैक्स में आप देख रहे हैं ये हमारी स्टैक्स में अरेंज है, तो इसको इसमें ऐसे बना देंगे, अरेंज हो गई स्टैक्स में. ठीक है, चार और पांच की अरेंज होती है, लाइन होती है, स्टैक्स में अरेंज होती है. इस स्टैक्स को पूरे को कहते हैं सिस्टर्न्स. ठीक है, और उसका एक पार्ट कहलाता है सिस्टर्न, इसको सिस्टर्न या फिर सिस्टर्न भी कहते हैं. ठीक है, सिस्टर्न या सिस्टर्न भी कहा जाता है. ठीक है, इसका काम क्या है? अपना इसका गोल्जी अपरेटस है, हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है. इसका काम क्या है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहता है. सो इट, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास में रहता है, तो इसका जो इसका काम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कोई सब्सटेंस है तो ये उसको अपने अंदर क्या करता है? स्टोर कर लेता है. इसका काम हो गया स्टोरेज का, अपने अंदर पैक्ड करता है. ठीक है, अगर जरूरत है तो अकॉर्डिंगली, अगर नहीं है जरूरत तो मॉडी जहां पे जरूरत है वो अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसपोर्ट करा देता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी डिस्पैच कराता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द. ठीक है, डिस्पैच कराता है, स्टोरेज करता है, पैक्ड करता है, ट्रांसपोर्ट यानी डिस्पैच करता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड मॉडिफिकेशन करता है. जहां अगर जैसे जिस पैटर्न में कोई सब्सटेंस आया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, उसको थोड़ा चेंज करके सेल को ट्रांसमिट कर देता है. तो इसका काम हो गया मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का काम हो गया. ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया. एक काम आपको मैंने बताया कि क्या काम, जैसे मॉडिफिकेशन का काम है इसका. दूसरा है लाइसोसोम फॉर्मेशन हेल्प करता है, लाइसोसोम बनाता है. ये सेल ऑर्गेनेल है जो कि इसको बनाता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है. कौन करता है? गोल्जी अपरेटस. अच्छा, एक और है कि क्योंकि तो मॉडिफाइड करता है, तो किस चीज को मॉडिफाई करता है? ये कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ये सिंपल शुगर को, सिंपल शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? कॉम्प्लेक्स शुगर में. ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इट कन्वर्ट द सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर. तो हम जस्ट आइए कह सकते हैं कि मॉडिफाई कर रहा है. मैंने बताया मॉडिफाइड, जिस पैटर्न में कोई सब्सटेंस उसके पास आता है उस पैटर्न में सच वो उसको ट्रांसमिट नहीं करता. अगर जब लगता है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता, उसको चेंज कर देता है. सो वी कैन से इट हेल्प इन द मॉडिफिकेशन. इन सम केसेस इट कन्वर्ट द सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर. कुछ केस में वो सिंपल शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर में, और लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन है गोल्जी अपरेटस के बनाने के, बनाने का पैटर्न मैंने आपको यहाँ समझाया कि गोल्जी अपरेटस को न्यूक्लियस के पास बनाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज में रखना है, क्योंकि इसका काम क्या है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब्सटेंस को अपने अंदर मॉडिफाइड करके जगह जगह जहां जरूरत है वहां वहां ट्रांसमिट करता है. तो ये आपका हो गया गोल्जी बॉडी. नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं लाइसोसोम. ठीक है, लाइसोसोम का जो पैटर्न आप बनाएंगे, देखिए लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ऐसे ऐसे थैली नुमा स्ट्रक्चर माना, एक प्लास्टिक की थैली ले लो, पॉलीथीन ले लो, और उसमें कुछ पानी भर दो. ठीक है, और उसको अच्छे से बंद कर दो, तो आपका हो गया एक सैक और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक है, इसी प्रकार ये भी आपका लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है. ये भी इस टाइप से, लेकिन पूरा सर्कुलर इन शेप में होता है. ये जो मैंने डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स क्यों बनाए हैं? इस टाइप के इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लाइसोसोम का, इस टाइप की लाइसोसोम सैक लाइक स्ट्रक्चर में डॉट्स दिखाने हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जगह जहां आप इसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म में. ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका नाम दे रही हूं मैं, दैट वाज द लाइसोसोम. क्या है ये? लाइसोसोम. ठीक है, ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, मैं डॉट्स क्यों बनाए? ये जो बाउंड्री है, ये मेम्ब्रेन है. एक बाउंड्री है, दो बाउंड्री, एक ही बाउंड्री, सिंगल बाउंड्री है. सो वी कैन से कि लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है. इसके अंदर कुछ डॉट्स दिखाए हैं. डॉट्स क्या दिखा रहे हैं? ये इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. ये इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स. यानी अगर मैं बात करूं तो लाइसोसोम को बनाने का काम करता है, ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है इसको बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी. लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी. इसके जो एंजाइम्स हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम खाना खाते हैं तो पेट में जब खाना जाता है तो एंजाइम्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो हमारे फूड पर अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इन एंजाइम्स को बनाने का काम करता है आरईआर, ठीक है, इनको बनाने का काम करता है आरईआर, और इस तक पहुंचाने का काम करता है एसईआर, ध्यान रखेंगे, इस तक ट्रेवल कराने का काम कौन करता है एसईआर। लाइसोसोम को बनाता कौन है, लाइसोसोम को कौन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनेल बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है। लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको बनाता है आरईआर, और उन एंजाइम को लाइसोसोम तक पहुंचाने का काम कौन करता है एसईआर। ऐसे याद रखेंगे, लाइसोसोम को कौन, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनको बनाता कौन है आपका आरईआर बनाता है, ठीक है। एंजाइम्स कौन बनाता है आरईआर, और उस तक पहुंचाने का काम, लाइसोसोम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम तक ट्रेवल कराने का काम कौन करता है एसईआर, ठीक है। तो इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो लाइसोसोम इस टाइप का देख रहे हैं, ये मैंने आपके जगह जगह सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये स्ट्रक्चर, ये सारे लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर या थैलीनोमा चार से स्ट्रक्चर जिनके अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है, कुछ भरा हुआ है इनके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो लाइसोसोम दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं विच आर मेड बाय आरईआर, ठीक है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें विच आर मेड बाय आरईआर, इनको कौन बनाता है आरईआर, एंड ट्रांसफर बाय एसईआर, उनको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है एसईआर तक, ठीक है। फंक्शन, इट एक्ट एज ए वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल, इसका काम क्या है, वेस्ट डिस्पोजल करने का काम है। वेस्ट डिस्पोजल की तरह क्यों काम करता है, अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया या वायरस अगर अंदर आ जाता है सेल के अंदर, तो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, यानी उसके न्यूट्रिएंट्स को, उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बॉडी के सिंपल में चेंज कर देते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू क्लीन द सेल, ठीक है। इस टाइप से सेल को क्लीन करता है। सपोज इट हमारे घर में डस्टबिन रखा है, कमरे में डस्टबिन क्यों है, तो हम कोई भी रैपर हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ये सब किस में डालें, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या रोल है कि हम उन चीजों को कहाँ डालें, डस्टबिन में डालें, ताकि हमारा घर क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। इसी प्रकार से ये सेल की सफाई करता है, सो इट एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल, क्या कहलाता है ये, वेस्ट डिस्पोजल, बिकॉज इट हेल्प टू क्लीन द सेल, क्योंकि सेल को क्लीन करता है, उसकी सफाई करता है, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं बाय डिस्पोजिंग द वेस्ट, बाय डिस्पोजिंग द वेस्ट इन टू द डस्टबिन, जस्ट लाइक इट एक्ट एज अ डस्टबिन, ये भी डस्टबिन का काम करता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू क्लीन द सेल, सेल की क्लीनिंग करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वायरस अगर सेल के अंदर एंटर करता है, इट डाइजेस्ट देम, उनको डाइजेस्ट कर देता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर जो, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से वो जो फॉरेन मटेरियल अंदर आए हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है, यानी उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, उनकी बॉडी के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें चेंज कर देता है, सिंपल में चेंज कर देता है। दैट एंटर द सेल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, कोई भी सेल ऑर्गेनल जो बॉर्न आउट है, डैमेज्ड है, उसको भी क्या कर देता है ये, क्लियर कर देता है, उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, और उस टाइप से सेल की सफाई करता है। इट मीन्स इट एक्ट एज ए वेस्ट डिस्पोजल, क्या कहलाता है ये, वेस्ट डिस्पोजल। अगर मैं बात करती हूँ दूसरा, इट ऑल्सो एक्ट एज ए सुसाइडल बैग, इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग कब कहा जाता है, कि जब कोई सेल डैमेज हो जाती है, पूरी सेल डैमेज हो जाती है, किसी केस में ऐसा हो जाए कि कोई सेल डैमेज हो जाए, डेड हो जाए, तो आगे इन्फेक्शन ना हो, तो ये खुद लाइसोसोम जो होते हैं सारे बर्स्ट हो जाते हैं। देखो अगर कोई सेल, मान लो इसी सेल की मैं बात करूं, इस सेल में अगर ये कोई डैमेज हो जाए या सेल डेड हो जाती है, तो इस केस में बहुत इन्फेक्शन आगे ना जाए, इसलिए ये लाइसोसोम की जो थैलियां हैं, थैलीनोमा स्ट्रक्चर है, ये लाइसोसोम खुद अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं, फट जाती है, थैलियां फट जाती है। अब मान लो कोई थैली फट जाएगी तो उसका सामान कहाँ होगा, बिखर जाएगा ना, जैसे माना एक थैली है उसके अंदर सामान भर के ले जा रहे हो और थैली में हो जाए छह, तो सारा चीजें जो उसके अंदर भरी है सारी चीजें वो क्या होंगी, फैल जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तो ये जो लाइसोम है, ये लाइसोम अगर मान लो सेल में कोई इन्फेक्शन या कोई सेल डैमेज या डेड हो जाती है, तो उस सिर्फ उस केस में लाइसोसोम अपने आप को वो कर देता है, बर्स्ट कर देता है, जितने भी लाइसोसोम की थैलीनोमा स्ट्रक्चर है सब बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिनको किसने बनाया है आरईआर ने,
ये सारे एंजाइम्स पूरी सेल में से स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी ही सेल को खा जाते हैं। सो वी कैन से कि सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हम इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। देखेंगे ध्यान से, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल की क्या कहा जाता है इसको, सुसाइडल बैग, बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज और डेड, जब एक सेल डैमेज और डेड हो जाती है, लाइसोसोम में बर्स्ट लाइसोसोम फट जाता है एंड देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्रेड इन द सेल। इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और क्या करते हैं, अपनी ही सेल को, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम और राइबोसोम भी हो गया, मैंने आपको राइबोसोम भी बताया भी, देखेंगे एक बार पढ़ देती हूँ। दीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल राउंडेड बॉडीज आइदर इन फ्री स्टेट और इन द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था बहुत छोटी स्मॉल बॉडीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्प्रेड है और इधर इन फ्री स्टेट और इन अटैच टू द सर्फेस ऑफ ईयर, ईयर की सर्फेस से अटैच है। मैंने आपको बताया था भी दे आर नॉट बाउंडेड बाय मैम्ब्रेन, मैम्ब्रेन लेस होती है, मैम्ब्रेन नहीं है एंड प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों ही सेल में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में भी, और ये वो स्ट्रक्चर दोनों सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, बता रखा है। फंक्शन दे एक्ट एज ए साइट ऑफ प्रोटीन, सो वी कैन से दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या कहलाती है, प्रोटीन फैक्ट्री। इनका काम क्या है, सेल के लिए प्रोटीन बनाती है, ठीक है। राइबोसोम का काम सिर्फ एक ही है, प्रोटीन बनाना, सो वी कैन से दे आर द कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।